हेलो दोस्तों, वेलकम बैक, वेलकम ऑन माय चैनल। दोस्तों आज हम रिपेयर करने लगे हैं एक इंकोरिंग एच डी का रिसर आया है, जिसका मॉडल है EL909। ये मॉडल हमारे पास रिसर रिपेयर होने के लिए आया है। इसमें जो प्रॉब्लम आ चुकी है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की प्रॉब्लम है। देख सकते हैं आप, इसके अंदर सप्लाई भी जो पहले लगी हुई थी FTML रिसर में लगी हुई थी, वही इसमें लगी हुई है। और उसका जो बोर्ड है वो MP4 में है। और इसका जो मॉडल है वो इस तरफ इसका लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं S-N 3223DM। ये इसका मॉडल है 2015 में, ठीक है। और इसमें जो फाल टच का वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का है। तो सबसे पहले मैं इसका आपको चेक भी करा दूं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये वर्टिकल हुई खड़ी है और ऊपर जो है इसका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो हमें दोनों पर इसका ऊपर नीचे करके चेक करेंगे कि जो इसका सिग्नल है वो कितने कहाँ कहाँ आ रहे हैं। सो गाइस, देख सकते हैं इसका जो हॉरिजॉन्टल पेपर खड़ा है, तो अभी जो इसके आ रहे हैं सिग्नल आ रहे हैं 18 वोल्ट आ रहे हैं। देख सकते हैं ये एच पर खड़ा है और इसका जो सिग्नल आ रहा है वो 18 आ रहा है, ठीक। अभी हम इसको कर रहे हैं वी पर, ये हमने कर दिया वी पर। और ये देखें इसके जो सिग्नल फिर भी 18.9 आ रहे हैं, 18.9 ऊपर कर रहे हैं, ये देखें ऊपर, तो ये 18.9। तो इसका मकसद है हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में ऑटो कनेक्शन नहीं हो रहे और हॉरिजॉन्टल में फॉल्ट है। तो अभी हम हॉरिजॉन्टल के ऊपर काम करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती रहे। देख सकते हैं दोस्तों, इसमें ये इलेक्ट्रिशियन भाई ने हमें भेजा है बनाने के लिए। इसमें इसने ये जो इसमें टास्क लगे हुए थे वो उसने अपने हिसाब से एक्सटेंड किए हैं, ठीक है। तो अभी हम भी इसके जो है टास्टर के ऊपर भी काम करेंगे, इसके जो है उसके ऊपर काम करेंगे। तो इसने जो इस टास्टर वगैरह बदली किए हैं वो इस साइड के बदली किए हैं। दरअसल ये जो साइड होती है ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की साइड नहीं है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की साइड ये है, ये चार जो टास्टर लगे हुए हैं, चार को छोड़कर जो तीन इस तरफ लगे हुए हैं तीन, ठीक है। वहाँ दो लिखे हुए हैं इसमें, Y2 ये टास्टर और ये हमारे पास ये टास्टर 1AM वाला। ये दोनों तीनों टास्टर हम एक्सचेंज करके चेक करते हैं। पहले हम इसको सिग्नल जो इसका फॉल्ट है उसको हल करने से पहले हम दोस्तों आपके साथ इसके वोल्ट चेक कर लेते हैं सप्लाई के। तो इसमें सप्लाई के वोल्ट कम आते हैं, इसकी वजह से भी ये मसला करती है। तो ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट, ठीक। इसके अलावा ये है हमारे पास 15 वोल्ट, ये भी सही है। इसके अलावा हमारे पास ये है 20-22 वोल्ट, एक मिनट मीटर कर लेते हैं इसको सिर्फ। देख सकते हैं इसमें 20 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। इसके सप्लाई वोल्ट ओके, तीनों को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसमें एक आधा ख़राब होता है, मगर हमें एहतियात के लिए और जल्दी काम हल करने के लिए इसका जो है तीनों साइड जो है टास्टर एक ही साथ एक्सचेंज कर लेने चाहिए, ताकि एक आधा ख़राब होगा तो दूसरा जो है कभी भी ख़राब हो सकता है। तो तसली के लिए हमें दोनों जो है एक्सचेंज एक साथ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये भी मैंने निकाल लिए दोनों। Y2 यहाँ पर लगे हुए थे, ठीक, और ये एक लगा हुआ 1AM वाला। ठीक हो गया, अभी तो हमने तीनों जो टास्टर थे वो हमने निकाल ली। अभी हम किसी और सर्किट में इसको ढूंढ कर लगा देंगे। गाइस देख सकते हैं इसमें भी सेम जो टास्टर है इसमें लगे हुए हैं, मगर इसमें जो नंबर हैं थोड़ा आगे इधर उधर हैं। तो हमें कहाँ कहाँ कौन से लगाने हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ ये वाला Y2TY, ये इसका नंबर है। ये साइड हमें एक ये लेना है और एक इसमें से लेना है, दो यहाँ से लेना है, ठीक है। ये दो यहाँ पर जो हमें चाहिए, ये वाले दो चाहिए और ये वाले एक चाहिए। दोनों ये निकालते हैं, ठीक है, एक और यहाँ इस जैसा दूसरे बोर्ड से ढूंढेंगे हम। दोस्तों अभी आपको मैं वोल्ट चेक कराने लगा हूँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के। देख सकते हैं दोस्तों, ये अभी वी वोल्ट वी जो है कनेक्शन, एक मिनट, ये सिर बंद हो गया।
कनेक्शन इसमें शार्ट हो गए थे, इसकी वजह से ये ड्रॉप हो गया, डिस्चार्ज हो गया, बंद हो गया। सो गाइस ये से रन हो चुका है, ये हम इसके क्या कहते हैं टीपी लिस्ट में जाने के बाद ये हो गया एच पर खड़ा है। ठीक है, एच पर खड़ा होने के बाद एच की वोल्ट हम चेक करने लगे हैं, देख सकते हैं ये एच पर वोल्ट जो है 19 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। ठीक, तो अभी हम वी पर जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास वी आ जाती है, तो वी पर आने के बाद हम इसके वोल्ट चेक करें, ये देखें 13 वोल्ट। तो अभी जो इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, सॉल्व कैसे हुआ है वो आपको मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, इसमें 200 डबल डबल ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ठीक है, एक ये वाला 1AM, 1AM और 1AM, ये तीनों ट्रांजिस्टर मैंने एक्सचेंज किए। ठीक, इसके साथ ये दोनों ट्रांजिस्टर किए। ठीक है, ये जो लिखे हुए टू टी वाई में से का नंबर है, सो ये दोनों मैंने दूसरे लगाए हैं। ठीक है, और ये तीनों जो एक नंबर के लगाए हैं। ठीक, तो कस्टमर ने जो मकनी भाई ने वो पहले से ये चेंज किए थे, तो मैंने ये दोनों ये चेक किए करके आपको दिखाए, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी, तो मैंने दोबारा इसको चेंज किए थे। ठीक, तो उसका इंटरवल बात करें प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम में, शुक्रिया, बाय बाय।